हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पावर ऑफ ट्रेडिंग स्टॉक के एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाइटन पे। टाइटन पे पहले आपको मैं अपडेट दे दूं, हम लोगों ने टारगेट रखा था 2250 का, बट ये टारगेट से आपको जो है अभी टारगेट हम लोगों का कब का अचीव हो गया और अभी जो है उसके ऊपर ये कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आप लास्ट का देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो है गैप अप खुला था 2250 के लेवल पे और यहाँ से जो है आपको कंटिन्यूस एक बाइंग प्रेशर आया। एक ही कैंडल में ही ये ऑलमोस्ट आपको 2350 पहुँच गया और उसके बाद जो है आपको पूरा दिन अप ट्रेंड में रहा था। उसके दूसरा दिन अगर आप फ्राइडे के सेशन में देखेंगे तो ये भी आपको एक कंसोलिडेट किया है। अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसमें एक और दिन का कंसोलिडेशन का। बहुत से लोग अपडेट पूछ रहे थे आपको टाइटन पे, इसलिए मैं जो है ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे एक और दिन के लिए वेट करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे एक और बार जो है आपको थोड़ा और कंसोलिडेट इसलिए हो सकता है क्योंकि अगर आप अभी देखेंगे तो एवरेज प्राइस जो है आपको अभी काफ़ी दूर है। तो एवरेज प्राइस जो है ऑलमोस्ट आपको 2% से ज़्यादा दूर है अपने प्राइस से। तो यहाँ पे एक बार के लिए और थोड़ा सा आपको कंसोलिडेशन यहाँ पे दिख सकता है एक एक दिन के लिए। उसके बाद अगर यहाँ पे आपको कुछ बुलिश साइन दिखे तो वहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं। अभी आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है क्योंकि अगर ये आपको 2350 का लेवल अगर ब्रेक होता है, यहाँ पे आपको फ्राइडे को भी कंसोलिडेशन हुआ था और थर्सडे को भी कंसोलिडेशन हुआ था, तो उसके बाद आपको इमीडिएट सपोर्ट अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 50 पॉइंट डाउन 2300 के लेवल पे है। तो इसलिए जो है एक थोड़ा सा और मैं यहाँ पे पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 2300 के लेवल पे अगर आपको मिल जाए या 2310 के लेवल पे अगर आपको मिल जाए तो यहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन सकता है। एक आपको जो है यहाँ पे बेटर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मिलेगा, लेकिन अभी के प्राइस पे अगर आप देखेंगे तो करेंटली प्राइस पे ये जो है आपको सही नहीं है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। थोड़ा सा और इसमें जो है आपको यहाँ पे गिरावट होने दीजिए, उसके बाद जो हम लोग इसमें ट्रेड करने के लिए देखेंगे। अगर आपको मंडे को अपॉर्चुनिटी मिलता है तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दूंगा स्टॉप लॉस के साथ जो आपको कहाँ पे ट्रेड लेना है, लेकिन अभी जो है आपको यहाँ पे ट्रेड लेने से बचना है। इमीडिएटली आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। एक बार के लिए थोड़ा सा और पुल बैक आने दीजिए यहाँ पे, उसके बाद अगर इस लेवल से बाउंस करता है 2300 या 2310 के लेवल से अगर बाउंस करता है तो फिर जो है यहाँ पे आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो जो लोग बेटर आपको जो है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उन लोगों को भी अभी नहीं करना चाहिए। उनका मैं रीजन बता देता हूं। अगर आप देखेंगे तो देखिए ये जो लेग है डेली चार्ट में, अगर आप ये लेग देखेंगे ऑलमोस्ट आपको 1800 के लेवल से ये लेग स्टार्ट हुआ है। इस लेग का अभी तक आपको करेक्शन नहीं आया है, तो इस लेग का करेक्शन आपको ड्यू है। तो जो लोग भी आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो अभी सही समय नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए आपको सही समय 1500 था, यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्टॉक ने एक आपको अपॉर्चुनिटी दिया था। उसके बाद आपको 1750 का लेवल भी जो है एक अच्छा लेवल था, यहाँ पे भी जो है आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला था। लेकिन अभी अगर आप इस चार्ट को हिस्टोरिकली देखेंगे तो ये जो है हर रैली के बाद एक आपको पुल बैक दे रहा है। यहाँ पे भी एक बड़ा रैली हुआ, उसके बाद आपको पुल बैक आया, फिर आपको इसी लेवल पे कंसोलिडेशन भी हुआ, उसके बाद जो है आपको अभी तो अभी के लिए वेट कर लीजिए। इस लेवल ये जो आपको लास्ट लेगा इसका पुल बैक आने दीजिए, फिर आपको जो है एक अच्छा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगा। लेकिन जब तक हम लोगों को इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, हम लोग जो यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए देख सकते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में हम लोग जो है यहाँ पे पैसा बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको मंडे के सेशन में वेट करना है। यहाँ पे थोड़ी और गिरावट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एक बार गिरावट होने दीजिए, उसके बाद जो है फिर यहाँ पे आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और अगर ट्रेड एग्जीक्यूट होगा तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप को वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को जो है एनालिसिस पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।